हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे ये बिट सेट के बारे में, जो कि है श्रुनव ऑटो टूल्स का। ये 40 पीसीस का एक बिट सेट है जिसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स की बिट्स हैं। इसका मॉडल नंबर है SR1089। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। आप देख सकते हैं श्रुनव ऑटो टूल्स 40 पीसेस। कुछ इस टाइप के ये स्टील मेटल के शीट मेटल के बॉक्स में आता है, जो कि एक हार्ड थिक स्टील का बना हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करें ये टूल की, तो इसके अंदर दो लेंथ की बिट्स हैं, जो कि है एक 30 mm की, इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर लंबी बिट है, और एक है 75 mm की, जो कि है 7.5 सेंटीमीटर की। इसके अंदर तीन टाइप की बिट्स हैं, जैसे कि हेक्सागोनल है, एलन की जैसे होती है वैसे, और टॉक्स है जो कि स्टार टाइप होती है, और स्प्लाइन है जिसे हम एम से डोनेट करते हैं, जो कि कोई 12 पॉइंट्स की होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट नंबर की है, जैसे कि 4 से लेके 12 तक है हेक्सागोनल, जो कि एलन की टाइप है, और T20 से लेके T55 तक है, जो कि टॉक्स है, और M5 से लेके M12 तक है, जो कि स्प्लाइन है। और इसके अंदर दो अडेप्टर्स होते हैं, जो कि 1/2 ड्राइव के हैं और 3/8 ड्राइव के हैं। ये क्रोम वेनेडियम स्टील से है, जो कि हार्ड स्टील होता है, जो कि ज़्यादातर टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, जिससे कि जो वियर वगैरह होती है टूल को यूज़ करने के टाइम वो कम होती है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। इसका यहाँ पे एक लॉक है, उसको हम जस्ट ऐसे पुल करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर है ट्रांसपेरेंट, जो कि ये जिससे कि इस पे डस्ट वगैरह जो है वो ना जाए। तो हम इसको ओपन करते हैं। ऐसा ये कवर है प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट। ये जो है जो जिससे कि ऑर्गेनाइज हो रखा है सारा ब्लैक पोर्शन जो है, ये भी एक ट्रे है इसके अंदर, जिसके अंदर सारी जो बिट्स हैं वो इन्होंने इंसर्ट कर रखी हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर दो अडेप्टर्स हैं। पहला अडेप्टर है 3/8 ड्राइव का, जो कि आप देख सकते हैं इसका जो बिट साइज़ है वो 10 mm है। इसका मतलब ये है कि आप 10 mm की कोई भी सॉकेट अगर आपके पास है तो भी वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर ये बॉल नहीं है, लॉकिंग बॉल नहीं है, तो ये जो बिट है वो इसके अंदर लॉक नहीं होगी, बार बार गिरेगी, तो इसलिए ये बॉल दी होती है। और सबसे पहली तो 3/8 ड्राइव है, आप देख सकते हैं 3/8। इसके पास 3/8 का रैचेट होता है या ब्रेकर बार है, वो इससे यूज़ कर सकता है इस बिट को। और उसके बाद है 1/2 ड्राइव, 1/2 इंचेस, इसमें भी बॉल है लॉक करने के लिए। ये आपके रैचेट में या ब्रेकर बार में इजीली फिट हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये बिट सेट वो लोग लेते हैं जो कि टेक्नीशियंस हैं, ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस या मैकेनिक्स हैं, क्योंकि ऐसी जो बिट्स होती हैं या जो ऐसे बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, जिसका हेड जो है वो या तो टॉक्स का होता है स्टार वाला, या फिर स्प्लाइन होता है 12 पॉइंट वाला, या फिर हेक्सागोनल होता है जो एलन की जैसा होता है। तो जनरली उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि इंजन्स वगैरह में जो कुछ बोल्ट्स होते हैं, जो वॉक्सवैगन की गोल्फ है उसमें भी यूज़ होता है, और जो BMWs हैं, ऑडीज हैं, मर्सिडीज़ हैं, और ऐसी जो जितनी टाइप की गाड़ियां हैं उसमें ये स्प्लाइंस और ये जो टॉक्स हैं वो जनरली यूज़ होती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस रहेगी। और जो बिगनर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, और जो कॉस्टली बिट सेट अभी नहीं लेना चाहते या उनका भी बजट नहीं है इतना, तो उसके लिए ये जो सॉकेट सेट है, ये जो बिट सेट है सॉरी,
वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अराउंड है 1200, 1200 के अराउंड ये पड़ती है, 1200, जो कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर आप कोई भी, आपके पास कोई हार्डवेयर स्टोर है जो कि बिट सेट या सॉकेट सेट रखता है तो उनके पास भी ये अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हेक्सागनल बिट्स की, जो कि है 30 mm लॉन्ग वाली, तो ये है 4 to 12 mm तक है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप की है। ये जो है ये 3 cm लॉन्ग टाइप है, ये देखिए आप, CRV क्रोम वेनेडियम 4। ये 4 जो है इनमें नंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की आती है, जैसे कि ये 4 है, 5, 6, 7 ऐसे करके, तो ये CR4 है, ऐसे ही CR10 है, आप देख सकते हैं, ये जस्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है जिससे ये लॉक होगी, अब ये गिरेगी नहीं आपके काम करते के टाइम, जैसे आप किसी गाड़ी पे काम कर रहे हो और कुछ बिट्स हैं जो गिर जाती हैं, तो इसलिए इस सॉकेट में ये गिरेंगी नहीं। अब बात करते हैं स्प्लाइंस के, ये स्प्लाइंस है, ये देखिए इसमें ऐसी स्प्लाइंस होती हैं, 12 पॉइंट्स होते हैं, ये भी CRV क्रोम वेनेडियम स्टील M5 है, क्योंकि तो इसको डोनेट करते हैं M से, तो ये M है और जो सबसे बड़ी है इसके अंदर, इस सेट के अंदर वो है M12 तक, CRV क्रोम वेनेडियम M12। और सेम ये 30 mm की सारी, ये जो लाइन है ये सारी 30 की है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 30 की है, तो ये सारे ऊपर छोटी वाली जो बिट्स हैं वो हैं सारी, और जो नीचे वाली है वो सारी 7.5 है। और बात करते हैं टॉक्स की, जो कि जिसे स्टार भी कहते हैं कुछ लोग, स्टार बिट या टॉक्स बिट, तो ये डोनेट हो इसे डोनेट करते हैं T20 से, छोटी भी आती हैं इस सेट में, T15 या T10 नहीं है, T5 नहीं है, इसमें स्टार्ट ही T20 से होती है और मैक्स जाती है T55, जो कि जनरली गाड़ियों में यूज़ होती है, ज़्यादातर T25, T30, T45, T40, T50 ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं, T10 आपको बहुत कम दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं टॉक्स की बिट है, और ये जाती है T55, टॉक्स 55। ये आप देख सकते हैं ये T50 है, और अब बात करते हैं जो लॉन्ग टाइप में है बिट्स, वो भी हेक्सागनल, ये है T CR4, ये हेक्सागनल है 4 नंबर, ऐसे ही यहाँ पे CR12 क्रोम वेनेडियम 12 तक जाती हैं हेक्सागनल बिट्स, लंबी वाली 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग में, ऐसे ही स्प्लाइन है जो कि एम से डोनेट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये स्प्लाइन है, और ये M12 जो बड़ी स्प्लाइन है वो ऐसे है। सो गाइस, मेरे ओपिनियन से ये बिट सेट जो है वो बेस्ट है उन टेक्नीशियंस के लिए या उन ऑटोमोटिव मैकेनिक्स के लिए जो कि इस प्रोफेशन में नए हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है, जो अभी एक्सपेंसिव टूल्स नहीं खरीदना चाहते, एक्सपेंसिव बिट्स नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट है। तो अगर आप ये सुनव का ऑटो टूल जो है वो नहीं खरीदना चाहते, तो इसके कंपटीशंस में और भी टूल्स हैं पर वो एक्सपेंसिव है थोड़े, हाँ उनकी बिल्ड क्वालिटी इससे अच्छी है, जैसे कि फोर्स के आते हैं, टॉप टूल है, ब्रांड है उनके आते हैं, स्नैपऑन के आते हैं, हस्की के आते हैं, क्राफ्ट्समैन के आते हैं,
ऐसे वर्जन जर्मन कंपनियां उनके आते हैं, तो आप उनके भी बाय कर सकते हैं। बस डिफरेंस यही है कि उनका जो प्राइस है वो इससे बहुत ज़्यादा है, डबल है, कईयों का तो ट्रिपल भी है। जैसे अगर ये 1200 का पड़ता है तो वो कुछ 2400 के हैं, या कुछ 5000 6000 के भी पड़ेंगे। डिफरेंस यही है कि एक तो बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और जैसे कि आप अगर फोर्स कर लेते हैं तो वो अराउंड 1800 या 1500 2000 के अराउंड पड़ता है, और जो स्नैपऑन वगैरह हैं उनके तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और एक और चीज़ का फ़र्क आता है, क्योंकि ये 40 पीसीस की बिट सेट है, क्योंकि ये सारा मिला के सारा 40 पीसीस जो है वो बिट सेट पड़ता है, लेकिन वो एक इसके अंदर एक ज़्यादा भी आता है, एक 120 पीसीस का आता है, 128 पीसीस का ऐसा भी आता है। उसमें जो बिट साइज़ हैं वो भी थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जो बिट के जो एक और डिज़ाइन आता है जो कि टॉक्स बिट टाइप ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो एक कुछ बोल्ट्स आते हैं जो कि टॉक्स फेस के होते हैं, लेकिन उसके अंदर सेंटर में एक छेद होता है, तो उसके सेम वैसे ही एक बिट जो है वो ऐसी एक और बढ़ जाती है उनमें। और कुछ और बिट सेट आते हैं जो कि 7.5 सेंटीमीटर से भी बड़े लंबे होते हैं, तो वो आपकी काम के ऊपर है, आपके जॉब के ऊपर है कि आपकी जॉब कैसी है। तो आप ज़्यादातर जैसे जो कुछ हेक्सागनल या कुछ टॉक्स बिट ऐसी होती हैं जो कि इंजन के सिलेंडर हेड में होती हैं या ब्लॉक में होती है, तो उसके लिए जो लंबी बिट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसका भी मैं रिव्यू करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे, ताकि और ऐसी वीडियोस आती रहें। आप बेल आइकन को हिट कर दें ताकि न्यू जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस और जो पुरानी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।